तहसीलदार तिरासी शर्मा ने कुलदीप राजन परिवार और को पहला डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी किया। आवेदन करने वाला पहला व्यक्ति था जिसे प्रमाण पत्र एक घंटे से भी कम समय में जारी किया था। इसके अलावा तहसीलदार तिरियात ने सभी सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए डोमिसाइल प्रमाण पत्र के लिए आने का अनुरोध किया। निखिल खग्याल की खास रिपोर्ट, जे की खबर नाउ। सर बताएंगे, आज जो आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर कुछ लोगों किए हैं उसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दीजिए। मैं सुनील शर्मा, तहसीलदार तिरियात, जो जीएडी की नोटिफिकेशन थी 18 मई की, उसके अकॉर्डिंग हम अब स्टेट सब्जेक्ट की बजाय डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करेंगे। इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेंट को एक एप्लीकेशन देनी है, उसके लिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है जीएडी में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। हाँ जी। उसके बाद जीएडी ने क्लास ऑफ पीपल, लोगों की कैटेगरी 6 क्लास ऑफ लोग रखे हैं जिनको हमने डोमिसाइल लेना है। एक जो यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट हैं, होल्डर हैं ऑलरेडी, जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट था, उनको सिर्फ एक अपना स्टेट सब्जेक्ट दिखाना है, उसके बेस पे हम उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे देंगे। दूसरा, उसी में आएगा उनके बच्चे। सेकंड कैटेगरी है जो लोग यहाँ 15 साल से रह रहे हैं या उनके बच्चे 15 साल से रहने के लिए, या तो वो यहाँ रहते हों, उनका राशन कार्ड हो, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, या उनके नाम पे कोई ज़मीन हो। तीसरे नंबर पे है जो लोग यहाँ 7 साल से पढ़ रहे हैं और उन्हें 10वीं या 12वीं कक्षा की जो परीक्षा है यहाँ पे दी हुई है, 10वीं या 12वीं, और उनके बच्चे। चौथे नंबर पे हैं माइग्रेंट्स जो कि रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर के साथ रजिस्टर्ड हैं, और उनके बच्चे। अभी सर जो नया टाइमिंग चेंज हुई है उसके बारे में थोड़ा दुकानों के लिए और थोड़ा हमें जानकारी दे दी। हाँ, इसके मतलब जो 8 जून से अनलॉक 1 है उसमें काफ़ी सारी चीज़ों में रिलैक्सेशन दी गई है, जिसमें कि लोगों को ये हिदायत दी गई है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनिए और बार बार अपना हाथ जो है वो सैनिटाइजर से साफ करिए, और अपने हाथ जो है मुंह को, नाक को और आंखों को ना लगाएं, जिससे कि ये पैंडमिक जो है, जो बीमारी है, कम हो सके, वायरस का जो ट्रांसमिशन है कम हो सके। तो लोगों को अब यही हिदायत है कि आप मार्केट को ओपन करिए। पहले जो टाइमिंग 9 से 5 थी वो 9 से 7 कर दी गई है, सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक, और इसके बीच दुकानें खुल सकती हैं, लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अपनी चीज़ें दे सकते हैं और ग्राहक जो है वो अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं। और सर जो इस सोशल डिस्टेंस और मास्क के बिना जो लोग कुछ जाएंगे, और गाड़ियों के किस तरह से 2-व्हीलर और 4-व्हीलर पे किस तरह से, मतलब थोड़ा जानकारी दे दीजिए। देखिए, ये अब प्रधानमंत्री साहब ने खुद इसमें इतना अपनी पार्टिसिपेशन की है और लोगों को इतना एजुकेट कर दिया है कि मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा बिना मास्क के या बिना रुमाल के बाहर निकलता है, जो कि मैंने देखा है मार्केट में। फिर भी अगर कोई निकलता है तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि वो मास्क पहनिए। मास्क पहनना उनकी अपनी सेफ्टी है, तो अपनी सेफ्टी तो खुद ही करनी पड़ेगी, और हम थोड़ा स्ट्रिक्टली भी डील करेंगे, इसलिए पहले तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर हमें कोई दिखता है तो फिर हम उसको स्ट्रिक्टली डील करेंगे कि वो मास्क पहनते ही निकलें। इसके अलावा जो मूवमेंट है, गाड़ियाँ लेके इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट अलाउड है, कोई भी आदमी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है, वो उसको किसी पास की ज़रूरत नहीं है। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सेंट्रल बैंक्स के एम्प्लॉयज हैं, आर्म फोर्सेस के हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के हैं, और इन लोगों को हमने डोमिसाइल जो है J&K का एज पर न्यू डोमिसाइल लॉ देना है। इसके अलावा एक कैटेगरी है जिनको, जो लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए दूसरी स्टेट में पढ़ने के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए या किसी काम के लिए, उनके बच्चों को भी यहाँ पे डोमिसाइल मिलेगा। तो ये एक हिस्टोरिक और लैंडमार्क लॉ है, जिससे कि लोगों को जो परेशानियाँ हैं वो कम होने की आशंका है, कि वो परेशानियाँ बहुत कम हो जाएंगी और बड़े सारे लोग इसमें इंक्लूड होंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ J&K का मोटिव था।
और सर आप अभी तहसील त्रेहाट के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे डोमिसाइल को लेकर? डोमिसाइल के मतलब मैं तो यही 18 तारीख से ही 18 मई से ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिनको भी चाहिए वो अभी कोरोना के पेंडेमिक को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एक एक करके अप्लाई करें ताकि हम उनको एक एक करके उनको और उनकी फैमिली को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के जल्दी से जल्दी उनको प्रोवाइड करें।